आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार भाजपा प्रत्याशी अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं और लगातार जनता से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सैनिक कॉलोनी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने भारत सरकार के 10 साल के कार्यकाल को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में फरीदाबाद सहित पूरे देश में विकास कार्य हुए हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना लगाते हुए कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने 70 साल देश पर राज किया, परंतु 70 साल तक देश को लूटने का काम किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो समाज और क्षेत्र के लिए काम करता, जो लोगों की दुख तकलीफों को कम निवारण करता है, मोदी जी हर उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ईमानदारी के साथ देश के लिए सेवाएं देता है। अच्छा, चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण में है, चारों तरफ माहौल आप घूम रहे हैं, लोकसभा पूरी आपने छान ली, गांव गांव तक आप पहुंचे, क्या माहौल दिखा? देखिए गौतम जी, आप खुद भी घूम रहे हैं, आपको भी मालूम है एक तरफा चुनाव है। मोदी जी भी NDA को के साथ 400 सीट से जीत रहे हैं और बीजेपी 370 और फरीदाबाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की पहले से बड़ी जीत की तरफ आगे तेजी से आगे बढ़ रही है। आप अपनी जीत का विश्वास